जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज दीपावली का बड़ा ही पवित्र पावन समय है और अघनिया मेला की शुरुआत भी हो चुकी है और अब लगातार 26 तारीख तक मेला चलता रहेगा पूरे दरगाह में। और हम आपको बता दें कि बाबा श्री मल पंडित जी महाराज का उत्सव भी 24, 25, 26 तारीख को है। वीडियो में आपको पूरा दिखाया जाएगा इसके बारे में। आइए हम देखते हैं बाबा के दरबार के भक्तों को और बाबा श्री मल पंडित जी महाराज के एक विशेष भक्त, जो कि बाबा श्री मल पंडित जी महाराज के बहुत ही पुराने भक्त रहे हैं और वो यहाँ लेके भी आते हैं लोगों को। आज वो उनके मुखारविंद से हम बाबा श्री मल पंडित जी महाराज का गुणगान सुनते हैं। बहुत ही पावन पवित्र दिन है, बाबा श्री मल पंडित जी महाराज और मखदूम बाबा के दरबार भीड़ ऐसे ही लगी रहेगी। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे साथ एक भक्त हैं जो कि दूर दराज से आए हैं। आज उनका हम उनसे बारे में पूछते हैं कि आप इस दरबार में आते हैं तो आपको कैसा लगता है और किस तरह से आप बाबा के दरबार में लोगों को लेके भी आते हैं, उनका फ़ायदा किस तरह से होता है। तो आप सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आप आए हैं। मेरा नाम शहरी आलम है, मैं जिला महाराजगंज से आया हूँ, गोरखपुर के करीब रहने वाला हूँ। मैं जब भी मैं बाबा के दरबार में आता हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। हम तमाम मरीजों को लिवा करके बाबा के दरबार में आते हैं, हमको सबको शिफा मिलता है बाबा कमल पंडित के जरिए, सबको फायदा होती है। सब यहाँ पर आते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म के लोग आते हैं यहाँ बाबा के दरबार में, सबको शिफा मिलता है। सब लोग आते जाते रहते हैं बाबा के दरबार में। हमारे कमल पंडित जी के सामने हम बोल रहा हूँ, जो भी काम होता है बाबा के रामोक्रम से उनके शिफा के जरिए से होती है। असम मरीजों को यहाँ पे शिफा पाते हैं कमल पंडित बाबा के क्रम से, मखदूम अशरफ जहाँ की शिवानी के क्रम से, ये बाबा के क्रम से उनको शिफा मिलती है। चाहे कोई भी इंसान हो, गरीब हो या अमीर हो, बाबा सबको एक निगाह से देखते हैं, उनकी हर परेशानी को दूर करते हैं। बस जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे सारी परेशानी उनकी दूर होती है। बाबा बहुत अच्छे हैं, बाबा के दरबार बहुत अच्छा है, बाबा का दरबार एकदम ईमानदारी है और सच्चाई है। यहाँ पे समाधि, बाबा कमल पंडित बाबा का समाधि स्थल है, यानी पाक धर्म है। यहाँ पर बहुत से लोग, यहाँ पे लोग आते हुए हैं, सबका काम बनता है बाबा के दरबार में। जितने भी लोग आते हैं सबका काम शिफा मिलता है। जो भी बाबा के दरबार में, चाहे जो दुखिया हो, चाहे कोई भी मसला हो, जादू हो, टोना है, बीमारी है, कोई भी चीज़ आता है, सबको यहाँ पे शिफा मिलता है, सब परेशानी से लोग दूर होते हैं। इसी की वजह से बाबा के दरबार में हम आए हुए हैं। हम बहुत काफ़ी दिनों से हम आते हैं बाबा के दरबार में और बाबा के दरबार में हमारे मरीजों को शिफा मिलता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब यहाँ पे मैं बाबा लोगों के दरबार में आ जाता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं इनके लोगों के प्यारे मोहब्बत में मैं घर बार छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। बाबा के क्रम से इनके शिफा मिलती है, बाबा के क्रम से बहुत से लोग आते हुए हैं, बहुत से मुल्क के लोग यहाँ पे आते हैं, बाबा का शिफा लेते हैं, बाबा का तबर्रुक लेकर के, बाबा कमल पंडित बाबा के स्थान से भी लोग आते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, सब एकता मोहब्बत है, कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर रूम भी सब चीज़ यहाँ पर चीज़ें उपलब्ध रहती है बाबा के नगर में। बाबा को चाहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बाबा सबको एक निगाह से देखते हैं, चाहे कोई भी हो। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इन्होंने बताया कि इनकी यहाँ की कैसी फीलिंग है वो इन्होंने बताया, और आप देख भी रहे हैं कि बाबा के दरबार में लोग हर जगह से आते हैं और यहाँ सामुदायिक मैटर कुछ भी नहीं है, हर जाति धर्म के लोग यहाँ आते रहते हैं। और बाबा श्री कमल पंडित जी महाराज, ये पूरे दरगाह में जो भी बाबा हैं सबका कल्याण करते हैं, जो उनको मानता है, जो इनको मानता है, उनका ज़रूर कल्याण इस दरबार से होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं और भी जगह अंदर से। आगमन तन्ते